नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस एमपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज मध्य प्रदेश में भोपाल विलीनीकरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले इस आयोजन की शुरुआत भोपाल गेट से की गई है। वहां पर शहीदों को पुष्प अर्पित शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इसके साथ ही वहां पर झंडा भी फहराए हैं। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मशाल जलाकर इसकी शुरुआत की है। 1 जून 1949 को भोपाल विलीनीकरण हुआ था, जिसका दिवस आज मनाया जा रहा है। और शिवराज सिंह चौहान की आगे की भी बहुत कार्यक्रम इस दिवस के मौके पर होने वाली है। इन सबके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं वो आप सुनिए। भोपाल का इतिहास ये सबको पता रहना चाहिए, और इसलिए एक शोध संस्थान जैसी कोई रचना बना के राजा भोज से लेकर आज तक का रानी कमलापति तक का भोपाल का पूरा इतिहास सामने आए, उसके हम प्रयास करेंगे। दूसरे 1 जून, क्योंकि भोपाल का गौरव दिवस है और भोपाल की आजादी का दिन है, और इसलिए अगले वर्ष से 1 जून को भोपाल में अवकाश भी शासकीय रखा जाएगा, ताकि ये रजिस्टर हो तुम्हारे में। तो आपने सुना कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही आज इस दिवस पर कौन कौन मौजूद थे वहां, इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। भोपाल विलीनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह के साथ मेयर मालती राय सहित शहर के कई लोग उपस्थित थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया है, उन्हें मिठाई खिलाई है। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में राजा भोज से लेकर रानी कमलापति तक के इतिहास को लेकर शोध संस्थान बनाने की भी घोषणा की है। तो तमाम जो इतिहास रहा है भोपाल का, इसे शिवराज सिंह ने दोहराया है और अपने इतिहास को याद करते हुए इस पर संस्थान बनाने की भी बात कही है। इसके साथ ही आज भोपाल दिवस के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जिसमें तमाम बड़े कलाकार आज पहुंचने वाले हैं और अपनी जो कला है उसे प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की जाएंगी। यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है आपको वो भी बता देते हैं। भोपाल गौरव दिवस के मौके पर आज शाम को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। मनोज मुंतेश्वर शुक्ला भोपाल की गौरव गाथा सुनाएंगे। साथ ही मशहूर गायिका श्रेया घोषाल भी वहां पर अपनी गीतों को प्रस्तुत करने वाली है। इसके साथ ही वहीं कॉमेडियन सुदेश दर्शकों को हंसाने वाले हैं। आपको बता दें कि इस गौरव अवसर पर इस भारत में भोपाल विलीनीकरण दिवस के मौके पर 4 दिन का ये कार्यक्रम होने वाला है। 31 मई से ही इसकी शुरुआत हो गई थी और 4 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसके मुख्य अतिथि सीएम शिवराज सिंह चौहान होने वाले हैं। और भी ये कार्यक्रम आगे कौन कौन से बड़े कलाकार आने वाले हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हम आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए भारत एक्सप्रेस एमबी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहें। नमस्कार।